राम राम जी, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज सुबह उठ के हमने पिया रात का रखा हुआ कांसे के बर्तन का पानी, उसके बाद खाए हमने ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, छुहारे, अंजीर वगैरह जो हमने रात को भिगोने रखी होती है उसे खा के आ जाते हैं हम भीड़ पे, जो खेत के साथ होती है उसे हम भीड़ कहते हैं पहाड़ी भाषा में। यहाँ पहुंच के सबसे पहले लगाते हैं हम पुशअप, फिर डायमंड पुशअप, फिर सिर पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं हम योगा का अभ्यास, अनुलोम विलोम अर्थात बहुत सी एक्सरसाइजें जिन्हें करने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करके आ जाते हैं हम घर। और घर पे भरते हैं अपने लिए ताजा ठंडा पानी नहाने के लिए। पानी को भर के आ जाते हैं हम घर के पीछे के बगीचे की साइड, जहां से हमें संगाल लाना होता है अर्थात सीढ़ियां लानी होती है, जो कि हमें भैंस के चारे निकालने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे हम भैंस का चारा उतारते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सीढ़ी लगा के अपनी बकरी से बातचीत करके मैं जाता हूँ अपने कमरे में, जहाँ पे मुझे मुल्तानी मिट्टी को पीसने का काम शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हम मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, लस्सी से नहाते हैं, लेकिन साबुन से नहीं नहाते, क्योंकि साबुन का त्याग मैंने काफी समय पहले कर दिया था, क्योंकि साबुन हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मुल्तानी मिट्टी पीस के उसमें गुलाब जल डाल के नहा धो के सूर्य नमस्कार करके हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं अपने लैपटॉप के पास के लिए। हम तो लैपटॉप पे काम करते करते हमें 2-3 बज जाते हैं, तो हम आ जाते हैं दुकान की ओर, और दुकान पे हम आग उग सेकते हैं, क्योंकि ठंडी हो गई है, सर्दियां आ गई है, तो हम आग उग के गिट्ठे जले करेंगे। तो आग उग सेक के आ जाता हूं मैं घर, और घर पहुंच के करता हूं अपनी भैंस का फोटोशूट, अपनी भैंस का फोटोशूट करके शाम का सूरज ढलते देख और अपने 2500 सब्सक्राइबर की खुशी मनाते हुए अपनी बोतल को उठाते हैं और हम निकल आते हैं जिम की ओर। रास्ते में हमें अपने जिम का पार्टनर मिलता है, उसके बाद हमें तीसरा पार्टनर मिलता है जो कि अपनी गाड़ी में हमें हरकुलस जिम ले आता है। तो जिम पहुंच के हम लगाते हैं सबसे पहले वार्म अप, तो हमारे वार्म अप की कुछ ज्यादा लंबी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी होता है। तो वार्म अप करके अपने शरीर को गर्म करके हम अपनी एक्सरसाइज का आरंभ करते हैं। तो आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट की एक्सरसाइज। तो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने के लिए हम सबसे पहले बेंच पे डंबल के साथ अपनी एक्सरसाइज का आरंभ करते हैं, उसके बाद आप देखते रहो आगे बहुत सी हम चेस्ट की एक्सरसाइजें करेंगे। तो सबके नाम तो मैं क्या बताऊँ, आप सब जानते होंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजें हैं। तो अपनी सभी एक्सरसाइजों को खत्म करके हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। अपनी जिम को अलविदा बोल के हम पहुंचते हैं घर, और घर पहुंच के खाते हैं रोटी, और रोटी खाने के बाद सेकते हैं आग और गप्पे गुप्पे मारते हैं परिवार के साथ। गप्पे गुप्पे मारने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने कमरे में दूध लेके। तो यहाँ पे दूध का और पानी का टास्क कंप्लीट करके आज का ब्लॉग इधर ही निपटाते हैं। जय श्री राम।